हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रधानमंत्री। आज हमारे चैप्टर 13 की लास्ट क्लास है, जिसमें अपन 13.8 के क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 मैं रीड करने जा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। 27 सोलिड आयरन स्पेयर्स, अपने पास है 27 आयरन स्पेयर हैं, ईच ऑफ रेडियस आर, जिनके रेडियस स्मॉल आर एंड सरफेस एरिया एस, सरफेस एरिया भी दे रखा है एस, आर मेल्टेड टू फॉर्म ए स्फीयर, इन सबको कराया जा रहा है मेल्ट और बनाया जा रहा है एक स्फीयर विद सरफेस एरिया एस डैश, जिसका सरफेस एरिया है एस डैश। फाइंड द रेडियस ऑफ द रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर, नया स्फीयर बन रहा है उसकी रेडियस फाइंड करनी है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, अपने पास क्या है, एक आयरन का स्फीयर है, तो आयरन 27 आयरन स्पेयर, सॉरी 27 आयरन स्पेयर, ठीक है, जिनकी रेडियस दे रखी है स्मॉल आर और सरफेस एरिया दे रखा है जो है एस डैश, ठीक है, और एस डैश की वैल्यू कितनी होगी 4πr², सॉरी एस है यहाँ पे तो 4πr², ठीक है। अब ये 27 जो आयरन स्फीयर है ना, इनको पिघला रहे हैं और एक नया आयरन स्फीयर बना रहे हैं बड़ा, तो मेल्ट मेल्ट द 27 आयरन स्फीयर और नया आयरन स्फीयर बनेगा, ठीक है। तो रेडियस ऑफ न्यू आयरन स्फीयर अपन को फाइंड करनी है, तो सरफेस एरिया, अब इनको क्या कर रहा है, मेल्ट कर रहा है, तो मेल्ट करने के लिए तो क्या पता होना चाहिए, वॉल्यूम पता होना चाहिए, किसका, जो पुराना वाला स्फीयर है उसका, तो सरफेस एरिया फाइंड करने से पहले वॉल्यूम फाइंड करना होगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा 27 इंटू पुराना वाला जो स्फीयर है ना उसके वॉल्यूम के इक्वल, 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ आयरन स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 27, वॉल्यूम ऑफ, ये तो एस डैश हो गया, सॉरी वॉल्यूम है ना तो वी डैश हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, देखिए 3 1 जा और ये 3 9 जा 9 4 36 पाई आर क्यूब, ये वी डैश की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है ना, नए स्फीयर का वॉल्यूम आ चुका है। अब अपन को क्या निकालना है, इसमें देखिए इसमें बोल रखा है अपन को दे रखे हैं, फाइंड करनी है अपन को रेडियस पुराने वाले वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा वी डैश का, तो वो होगा हमारे पास 4/3 पाई आर डैश क्यूब, ठीक है ना, हाँ 4/3 पाई से तो पाई कैंसिल हो गए, 4/3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, आर डैश क्यूब इक्वल टू 36 × 3/4, ठीक है, 4 9 36 आर डैश का क्यूब, ये 13 मत समझेगा इसको, आर डैश है, ठीक है ना, आर डैश की पावर 3 और यहाँ पे है आर की पावर 3, 27 बन रहे हैं, 27 होते हैं 3 का क्यूब, तो 3 आर की पावर 3, तो आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई 3 आर, ठीक है। नेक्स्ट रेशो निकालना सरफेस एरिया एंड एस डैश वाले सरफेस एरिया का, मतलब नए सरफेस एरिया और पुराने सरफेस एरिया के बीच में क्या रेशो आ रहा है वो हमें फाइंड करना है, देखिए ध्यान से। तो ये तो हो गया अपना फर्स्ट, सेकंड सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर क्या होगा, रेशो निकालना तो अपन डायरेक्ट रेशो का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एक काम कीजिए अपन डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, s/s, ठीक है, s यानी इसका फॉर्मूला क्या होगा 4πr² / 4πr²
फोर पाई से फोर पाई कैंसिल, आर स्क्वायर एज इट इज, आर डैश का स्क्वायर, आर डैश इक्वल टू थ्री आर है, तो इसका स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू थ्री का स्क्वायर नाइन, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, कर गए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर वन रेशो नाइन, अपने आंसर आ चुके हैं। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद आता है अपने पास क्वेश्चन नंबर टेन। क्वेश्चन नंबर टेन देखिए, एक कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ ए स्पेयर। एक कैप्सूल है वो क्या है, स्पेयर के शेप का है, जिसका डायमीटर दे रखा है 3.5 मिलीमीटर। हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल, कितनी मेडिसिन की जरूरत होगी इसको फुल करने के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर टेन, कैप्सूल और शेप कैसा है कैप्सूल का, स्पेयर, ठीक है, और जिसकी डायमीटर दे रखा है हमें 3.5 मिलीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3.5/2 मिलीमीटर। ठीक है ना, अपन को फाइंड क्या करना है, इसके अंदर कितनी मेडिसिन भरी जा सकती है, तो मतलब वॉल्यूम फाइंड करना है। देखिए ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या हो जाएगा, 4/3 πr³, 4/3 πq 22/7, आर है हमारे पास 3.5/2, 3.5/2, 3.5/2, ठीक है, पॉइंट हटाया अपॉन में 10, पॉइंट हटाया अपॉन में 10, और ये पॉइंट हटाया अपॉन में 10, ठीक है, 7 1 जा 7 5 जा कट हो गए, 5 1 जा और ये 5 4 जा, 4 से 4 कैंसल, ठीक है। अभी अपन आगे कट कर रहे हैं इसको 2 के टेबल से, तो ये हो रहे हैं अपने पास 10 टाइम, ये 11 टाइम, 11 × 35 × 35, हाँ अपॉन में कितने बचे अपने पास, 3 × 10 × 20, तो ये हो गए 200। ठीक है, देखिए आगे, अब आगे सोल्व करने जा रहे हैं अपन, तो 35 × 35 करना होगा सबसे पहले, तो 11 × 12 2 5, ठीक है, इंटू अपॉन में, अब मैं क्या करता हूँ इसको लिख देता हूँ, 3 × 2 = 600 हो रहे हैं, तो 6 × 100 इसको अपन लिख देते हैं। ठीक है, अब 11 को मल्टीप्लाई कराते हैं, 1 3 4 7 5 6 × 100, अब डिवाइड करते हैं 6 का, 6 × 2 = 12, 6 × 2 = 12 और 6 × 4 = 24, और ये हो गया हमारे पास 6 × 5 = 13, अपॉन में अप्रोक्स में आएंगी वैल्यू, अपॉन में 100 आएंगे, यानी कि 22.45, कितने आ गए 22.45 मिलीमीटर क्यूब हमारे आंसर। ठीक है, ये हो गए 22.45 हमारे आंसर, ये हो गया अपना चैप्टर कंप्लीट। यहां तक एक बार कंप्लीट कर लें, जो भी कोई डाउट हो पूरे चैप्टर में शुरू से लेकर लास्ट तक वापस एक बार जरूर पूछ लीजिएगा। अपनी क्लास आज की यही ओवर हो रही है, आपको इस चैप्टर के पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन 13.1 से लेकर के 13.5 तक के एक्सरसाइज के सब प्रोवाइड कर दिया जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यही ओवर हो रही है, आने वाली नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम मिलेंगे। ठीक है।